रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 बॉइल्ड पटेटोस, पनीर लिया है हमने यहाँ पर, ये वही पनीर है जिनको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर चाहिए कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ये है चॉप्ड कैरेट, मैंने गाजर को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर काट लिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें चाहिए ताकि ये कुक करने में बहुत ही आसानी हो। यहाँ पर चाहिए चॉप्ड अनियन, यहाँ पर है चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड ग्रीन चिली। आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप ग्रीन चिली का जो सीड है उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर चॉप्ड गार्लिक है 1 टीस्पून, चॉप्ड जिंजर 1 टीस्पून और यहाँ पर एक ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर मीडियम साइज का एक अनियन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस बॉइल्ड पोटैटो को स्मैश कर लेनी है। तो पोटैटोस को यहाँ पर अच्छी तरह से स्मैश कर लेनी है ताकि इसमें कोई भी लम्स या गांठें ना रहे। अगर ऐसा होता है तो उसे निकाल दें। कभी कभी आप ये देखेंगे कि बॉइल्ड किए हुए पोटैटो के अंदर का एकदम सेंटर का जो पोर्शन है वो ठीक तरह से बॉयल नहीं होते हैं, तो उस हाल में आपको क्या करना है, या तो आप पोटैटोस को आधे स्लाइसेस में काट के बॉयल करें या फिर अंदर जो लम्स रह गए हो उसे निकाल दें। लेकिन आप अगर पोटैटोस को यानी कि आलू को आधे पोर्शन में काट करके बॉयल करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी अंदर सोख लेता है, तो इसलिए छिलके के साथ एक होल पोटैटो बॉयल करना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे पोटैटो उसको स्मैश कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से स्मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट हमें उतनी ही मिलानी है जितनी हम खाना पसंद करते हो। मैं यहाँ पर जितनी दिखा रही हूँ वो मुझे पसंद है, आपको जो भी पसंद हो कम या ज़्यादा उस हिसाब से आप मिला लीजिए। और ऐसे स्मैशर हो तो बहुत ही आसानी होती है। तो ये आलू तैयार है। यहाँ पर इस कढ़ाई पर मैंने 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें जाएंगी चॉप्ड जिंजर गार्लिक और चिली, ग्रीन चिली। इसे थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है। ध्यान रखिएगा कि इसकी कलर चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जानी चाहिए। अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी चॉप्ड अनियंस। इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इस स्टेज में ऐड कर देंगे चॉप्ड कैरेट यानी कि बारीक कटे हुए गाजर को। जब तक ये गाजर प्याज ये सब थोड़ी सॉफ्ट होते हैं, थोड़ी सी फ्राई भी होते हैं, तब तक पनीर को स्मैश कर लेते हैं। इसे मीडियम फ्लेम में छोड़ देते हैं। पनीर को ऐसे दबाते हुए स्मैश कर लेनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकदम से पाउडर फॉर्म में इसको नहीं बनानी है, थोड़ी सी इसमें क्रंच ऐसी होनी चाहिए। पनीर यहाँ पर स्मैश हो चुके हैं। यहाँ पर टोटल शायद 200 ग्राम पनीर है। अब इसमें ऐड कर देंगे पनीर को, तो अच्छी तरह से मिला लेनी है इसके साथ। और पनीर भी थोड़ी सी फ्राई हो जानी चाहिए ताकि पनीर में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए।
इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, जिनको मैंने थोड़ी सी क्रश कर लिया है। ये पनीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्मैश्ड पोटैटोज और पनीर के साथ इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिलाकर एक डो फॉर्म में लानी है। तो ये स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है, अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मैदा ले लिया है, यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर। यहाँ पर लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स और यहाँ पर जो हमारी मिक्सचर है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ी सी पानी के साथ एक स्लैरी बना लेती हूँ। बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए स्लैरी तैयार हो गई है, ये कुछ ऐसी होगी। इसमें कुछ लम्स रह गए हैं तो कोई बात नहीं, लम्स इसमें आएगी नहीं। तो पहले अपने दोनों हाथों को थोड़ी सी गीला कर लें, उसके बाद इसमें से ऐसे पोर्शन उठा लें और इसको मनचाहा शेप दें। मैं इसको ऐसे लंबाई में शेप दूंगी। और इसे अभी करना क्या है, यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, ऑल पर्पज फ्लावर प्लेन है, इसमें और कुछ भी मिलावट नहीं है। तो इसमें एक ऐसे रोल कर देनी है ताकि इसमें मैदे का एक कोटिंग बन जाए। अब इसको डालनी है इस स्लैरी में और एक फोर्क की मदद से इसको ऐसे उलट पुलट करते हुए निकाल लेनी है। फोर्क लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से होती है। अब इसको डाल देनी है ब्रेड क्रम्स में और इसे चारों ओर से अच्छी तरह से कोट कर लेनी है। और इसे साइड में रख देनी है, ऐसे बाकी सारे भी मैं तैयार कर लूँगी। मैंने ये सारे कटलेट्स को तैयार कर लिया है, यहाँ पर टोटल 12 कटलेट्स बने हैं और इसे ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने देनी चाहिए ताकि जो भी मॉइस्चर है वो ब्रेड क्रम सोक कर ले। और अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो इस कढ़ाई पर मैंने तेल गर्म कर लिया है, ये वेजिटेबल ऑयल है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और इसमें डाल देनी है ये कटलेट्स, थोड़ी थोड़ी ग्रैप बनाते हुए इसे डालनी चाहिए ताकि पलटने में आसानी हो। अब इसे सावधानी से पलट देते हैं। एक साइड अच्छी तरह से कुक हो जाए उसके बाद ही दूसरी साइड को पलट देनी है ऐसे। तो ये तैयार हो गए हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। बाकी कटलेट्स को भी ऐसे फ्राई कर लेते हैं। कटलेट्स काफ़ी ठंडी हो चुकी है, ये पूरी तरह से गर्म नहीं है, पकड़ी जा सकती है ऐसे। तो इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। ये देखिए, तो ये लीजिए पनीर कटलेट तैयार हो चुके हैं। घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।